Fida Pakistan, program focused on the life and achievement of Pakistani American. Vakar sahab, thank you very much for your nice comments. Actually, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं सेंट लुइस की. यहाँ पे जैसे भी मुसलमान माइग्रेट हुए 70s में आए कुछ, उन्होंने MSA यहाँ पे स्टार्ट किया, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. वक्त की जरूरत के साथ वो पहले किसी घर में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते थे, फिर हमने एक वेयर हाउस लिया, उसको मस्जिद बनाया. वो है 1982-83 की बात है. उसके बाद उन्होंने जैसे आबादी बढ़ती रही थी मुसलमानों की, इधर वेस्ट काउंटी में वो जो सेंट लुइस डाउनटाउन से बाहर हम 20-21 मील दूर हैं वेस्ट में, जमीन ली और हमने यहाँ पे मस्जिद बनाई जिसका एरिया था 23,000 स्क्वायर फुट और उसमें एक वक्त में 700 से ज्यादा बंदे नमाज पढ़ सकते हैं, मेन सेक्शन और औरतों का भी हाफ ऑफ दैट इज अपस्टेयर. तो वो 1995 में हमने वो मस्जिद कम्प्लीट की थी. साथ ही उसी वक्त जो हमारे कायदीन थे उस वक्त इस कम्युनिटी के, उन्होंने ये किया था कि फेज टू जो है उसमें था स्कूल. वो स्कूल हो गया रेगुलर स्कूल, वो हमारा काफी देर से चल रहा है यहाँ के लिए. लाइब्रेरी थी और जिम्नेजियम था और ये प्रोजेक्ट उसी वक्त से मुतय्यन हो चुका था, लेकिन पता है कि इसके लिए काफी पैसा चाहिए. तो जब हमारी मस्जिद पहले बन चुकी थी उस वक्त 23,000 स्क्वायर फुट के लिए 2.5 मिलियन लग चुका था उसमें. तो ये खुदा का शुक्र है कि मुझे ये सआदत हुई, मुझे कम्युनिटी में काफी उन्होंने उनके इसरार पर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा. तो मैं चेयरमैन रहा हूँ फेज 2 फेज 3 का. हमने उसके लिए पहली दफा फंड रेजिंग किया था, एक रात में $1 मिलियन इकट्ठा किया था. और हमने 9/11 के बाद इस लेस देन 3 साल से बल्कि कम अरसा है हमने $3 मिलियन से खर्च कर चुके हैं और उसमें हमारी 14,000 स्क्वायर फुट जिम्नेजियम है, उसके बाद स्कूल लाइब्रेरी उसका रकबा और दूसरा अलहदा है 27,000 स्क्वायर फुट. एक्चुअली आज ही जो हमारा यहाँ पे 27th ऑफ रमजान है 19 अक्टूबर, हम अपना लास्ट फंड रेजिंग कर रहे हैं फेज 2 फेज 3 के लिए. हमारा गोल है $250,000. हमने जब भी जितना गोल रखा है यकीन करें खुदा की जात ने मायूस नहीं किया और वो गोल अचीव किया है. और वकार साहब और नाजरीन के लिए बताता चलूं कि 9/11 के बाद काफी प्रोजेक्ट कुछ सर्वे कम हो गए थे क्योंकि बंदे डरने लगे थे कि उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि 9/11 के बाद हमने $3 मिलियन का एक न्यू इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है 3 साल से कम अरसे में. और इंशाल्लाह आज की फंडरेजिंग के बाद ये प्रोजेक्ट 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा. तो ये बड़ी सआदत है हमारी कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया इसको मुकम्मल करने का. नादिन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि इनका प्रोजेक्ट जो है वो अपने पाए तकमील को पहुंच रहा है आज. और मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर में, मुख्तलिफ स्टेट्स में मेरा जाना होता है कि कंटिन्यू जो है फंडिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ चीजें कमी रहती है. लेकिन ये बड़ी यानी कि एक ताबनाक और खुशाइन बात है, क्रेडिट जाता है जनाब मंदूर तारिक साहब को और इनकी टीम को, इनकी कमेटी को और यहां की कम्युनिटी को कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस इस्लामिक सेंटर को तामीर किया बड़े मॉडर्नाइज तरीके से. और ये मेन रोड पर वाकई है जिसको सब देख सकते हैं. और मैं समझता हूं कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है. और मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट डेफिनेटली यहां की कम्युनिटी को जाता है. मधुर साहब, तो साहब ये तो आपका इस्लामिक सेंटर का प्रोजेक्ट था और बड़ी खुशी है कि आप अपना वक्त निकाल के पाकिस्तान के लिए भी मदद कर रहे हैं, इस्लाम की भी खिदमत कर रहे हैं और अपने बच्चों की तामीर और तरक्की में भी आप खुश आए, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा रहे हैं. आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि इतने आप तजुर्बेकार इंसान है कि आने वाले जो हमारे नए फिजिशियन जो आते हैं पाकिस्तान से, उनको कोई आप क्लू दें कि हाउ टू सक्सीड इन अमेरिका, हाउ टू गेट रेजिडेंसी, कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी को बताएं ब्रीफली हमारे नाजरीन को. एक्चुअली अगर आप हजरात में किसी को ये ना पता हो कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अपना 3-4 साल से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसका क्रेडिट हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, खासकर इस वक्त जो हमारे सदर साहब हैं अब्दुल रशीद प्राचा साहब, उन्होंने एक्चुअली यूथ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी की थी अपने के लिए
और उसके इस वक्त हैं रुबीना इनायत और खालिद रिजवान उसके एक्टिव हैं, दे आर वेरी एक्टिव। बल्कि उनकी मीटिंग अब जो फॉल मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क में 17th and 18th of November, वहां पे यूथ के लिए एक स्पेशल मीटिंग होगी। जिनको डिफिकल्टी हो रही है वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए या रेजिडेंसी के लिए, आप अपना के वेब पेज पे जाएं और प्लीज वहां पे जाके देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बल्कि हर अलमनाई जो है ना अपने तौर पे अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रेजिडेंट जो कोई ख्वाहिश है उनके लिए हेल्प कर रही है, और अपना प्लेटफॉर्म पे जितना भी आप आएंगे वो ऑल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है। एक्सेलेंट सर, बड़ी खुशी है कि आपसे मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं सेंट लुइस के अंदर। आप पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की सूरत हाल पे नजर रखते हैं जी, तो हाउ टू कंपेयर पाकिस्तान, कहते हैं आज का पाकिस्तान और कल का पाकिस्तान, हाउ डू कंपेयर? हमारा पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, हमारा फ्यूचर ये होना चाहिए कि हमें एजुकेशन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस करनी चाहिए, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और एजुकेशन वो सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे फैसिलिटीज हैं गुरबा को हैं, उनके लिए भी हम जितना कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। और अब जाहिर है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम इन्फ्लुएंस तो उनको नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे बैठे हुए अपना है और अपना का ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है और अपना सेहत है, जो कुछ भी हम फिजिशियन उनके लिए कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ज्यादा कर सकती हैं। जाहिर है हम इंडिविजुअल लेवल पे भी जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी एजुकेशन हाई हो, सब बच्चों को एजुकेशन मिले और गुरबा का ख्याल किया जाए, और जो लोकल डेवलपमेंट है वहां के लिए फैसिलिटीज, और काफी वैसे इम्प्रूवमेंट है पाकिस्तान में, उसको ज्यादा जितना हम कर सकें वो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि तो बड़ी सी बात है आपने डिफाइन किया, आपने ख्याल का इजहार किया, लेकिन मेरा मकसद है कि आज का पाकिस्तान कल का पाकिस्तान, जितने हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं पिछले दिनों में, जनाब जावला साहब का दौर, अयूब का दौर, बेनजीर का दौर, नवाज शरीफ का दौर, और हर लीडर ने अपनी अपनी कोशिशें की हैं, लेकिन अब ये जो दौर गुजर रहा है पाकिस्तान एक नए मोड़ पे, एक नई सेंचुरी में दाखिल हुआ है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं कि कल का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान? अगर मेरा पूछा जाए ख्याल तो ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, उसमें लोगों को अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिलना चाहिए, और जाहिर इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे उनको खराज तहसीन दूं, हमारे प्रेसिडेंट उन्होंने काफी कुछ किया इस 9/11 के बाद, हालात जितने खराब थे जैसे मुल्क को वो लेके आए हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इनक्रेडिबल थिंग। हमारा फ्यूचर ये हो कि पाकिस्तान उसी राह पे गामजन हो जहां पे जमहूरियत हो, जहां पे लोगों की बहाली के लिए काम किया जाए, और उसमें हमारा मुस्तकबिल और ज्यादा समझ सकता है सब पूरी कौम के लिए। अच्छा, ये तो आपके तासरात थे पाकिस्तान के बारे में, और अब मुझे ये बताइए कि 9/11 के बाद जो कोई ऐसी मुश्किल का आपको सामना हुआ अमेरिका में रहते हुए, जिससे आप फील करें कि यार वी वर बेटर देन बिफोर 9/11, आफ्टर 9/11 वी हैव दिस डिफिकल्टीज? डॉक्टर साहब आपने और बड़ा जबरदस्त सवाल किया। जाहिर है 9/11 ने तो सब इंसानों की जिंदगी बदल दी है, और खासकर हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है हमारे बच्चों को, उसमें यह है कि जरा उनकी आंखें ज्यादा खुल गई हैं। उनको पता है कि अमेरिका में मेजॉरिटी जो लोग हैं दे आर वेरी नाइस पीपल, दे ट्रीट यू वेरी गुड, लेकिन जब 9/11 के बाद जाहिर है आप देखते हैं नॉट ओनली एयरपोर्ट की और जगह पे भी आपको जो स्पेशल सलूक किया जाता है, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, भाई आप मुसलमान हैं, आपका रंग मुख्तलिफ है, आपकी जुबान मुख्तलिफ है, आपका मजहब मुख्तलिफ है, तो आपको करना यह चाहिए कि आप सिस्टम में इन्वॉल्व होके इस सिस्टम को ये बताएं कि हम अमन पसंद शहरी हैं, हम इस सोसाइटी में बहुत किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि किरदार अदा करते रहेंगे, और उसको इसके पॉजिटिव उसमें एटीट्यूड में उसको चेंज करें।